मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीसे मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी का चचा उसके बाप की मानिंद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान मुसलमान का भाई है। आगाज करने से पहले नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी की मौजूदगी में साबिका टीआरएस जिले सदर ईगा गंगा रेड्डी ने की नौ नामजद टीआरएस जिले सदर को आर्मर मिले जेवर रेड्डी की तहनीत। वालदैन अपने बच्चों की हरकत पर तवज्जो दें, वो नौजवान मंशियात की लत से दूर रहे। अच्छे मुस्तकबिल के लिए वालदैन की सख्ती जरूरी, सीपी किया नजर आ जाए। अवाम और रियासती वज़ीर-ए-आला केसीआर की जदोजहद के सबब ही तेलंगाना हासिल हुआ है। कांग्रेस तेलंगाना इंचार्ज मानिकम ठाकुर के बयान का मुतहदा जिले कानून साज काउंसिल के कविता ने दिया जवाब। शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी स्कीम के जरिए गोरबा की खुशियों को दोबारा करना है। रियासती वज़ीर-ए-आला केसीआर का मकसद निजामाबाद अर्बन रुकन असेंबली बेगाला गणेश गुप्ता, इन्होंने इस्तीफादा कुनंदगान में की टैक्स की तकसीम। टीआरएस पार्टी मुस्तहिक अवाम के साथ ओहदेदार लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ कार्रवाई करे, ना के गोरबा पर। साबिका डिप्टी मेयर व टीआरएस कायद मीर मजाज अली की जिले कलेक्टर से नुमाइंदगी। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। निजामाबाद अर्बन रुकन असेंबली बीकाला गणेश गुप्ता ने शहर के सुभाष नगर में वाकई मिले कैंप दफ्तर पर तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम से मुतालका चेकों की मुस्तहिकीन में फराहमी उमर मिलाई। निजामाबाद अर्बन रुकन असेंबली बीकाला गणेश गुप्ता ने आज शहर के सुभाष नगर में वाकई मिले कैंप दफ्तर पर तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम से वाबस्ता चेकों के मुस्तहिकीन में फराहमी अमल में लाते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इक्तदार में रियासती वज़ीर-ए-आला कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क्यादत में तेलंगाना के मुस्तहिक व गरीब लड़कियों की शादी के लिए इनके अखराजात में मदद करने की खातिर कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम को मुतारफ करवाने के बायस आज कई लोग इस स्कीम से वादा करें। इसी तरह से तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाई गई तमाम स्कीम बिलखसूस शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी डबल बेडरूम आत्मनिर्भर के अलावा दीगर अहम स्कीम पूरे हिंदुस्तान में अपनी मुनफरिद शनाख्त बनाते हुए काबिल तलखद स्कीम कहलाई जा रही है और इन्हीं स्कीम की बदौलत तेलंगाना की अफवाह में मुस्कुराहटे दौड़ती जा रही है और रियासत के तमाम तबकात में स्कीम को लेकर इंतहाई खुशी की लहर देखी जा रही है। तेलंगाना के तमाम तबकात के लिए रूबे अमल में लाए जाने वाले स्कीम का किसी दूसरी रियासत में नजर नहीं मिलने का इजहार किया। कल्याण लक्ष्मी संतरा आते जाने लगेंगे साउथ मंडल प्रांत में अपने लाभिदार लोगों से कुछ आते जाने लगेंगे आधे दिन का कबूतर अंतर पना लक्षा नोटा पादा रुपया चेकु नासमंदर कबूतर तो मैं अंदर देशु पहले ना पति कुटमान की ओका अम्मा ही की चीरा अबाई की ड्रस मैं पड़ता अदे संस्कृति को मैं अंदर चला सतृप्ति व्यक्तम कनकाम अने महिला मरी आम की इधर कूतरें इधर लक्ष पद नूट पदार चुप रेल से वाई चला सतृप्ति व्यक्तम मेमंदर। जिले टीआरएस सदर के तौर पर नामजद होने वाले पीयूसी कमेटी चेयरमैन आर्मर मिले जीवन रेड्डी को टीआरएस पार्टी के साबिका जिले सदर ईगा गंगा रेड्डी ने रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी की मौजूदगी में शालपोशी गुलपोशी करते हुए दी मुबारकबाद। जिले टीआरएस सदर के तौर पर मुंतखब होने वाले पीयूसी कमेटी चेयरमैन आर्मर मिले जीवन रेड्डी को टीआरएस पार्टी के साबिका जिले सदर ईगा गंगा रेड्डी ने रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी की मौजूदगी में शालपोशी गुलपोशी करते हुए शानदार पैमाने पर तहनियत अमल में लाते हुए पुरखलूस मुबारकबाद पेश किस प्रोग्राम में एमएलसी राजेश्वर राव और दीगर ने शिरकत की। आसाम सीएम के खिलाफ निजामाबाद कांग्रेस माइनॉरिटी सेल की जानिब से सिक्स टाउन में शिकायत दर्ज।
आज पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी व कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़ की हिदायत पर निजामाबाद कांग्रेस माइनॉरिटी सेल की जानिब से सिक्स टाउन पहुंचते हुए आसाम सीएम के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई। इस मौके पर पीसीसी डेलीगेट मोहम्मद ईसा, कांग्रेस माइनॉरिटी चेयरमैन मोइन यूनुस ने कहा कि आसाम सीएम की जानिब से कांग्रेस कौमी सदर राहुल गांधी के खिलाफ जाती नुक्ताचीनी करने व नाजेब अल्फाज इस्तेमाल करने पर बरहमी का इजहार किया गया। इस मौके पर इनके हमरा मोहम्मद जाकिर, मोहम्मद खुद्दूस, अतीक खान व दीगर मौजूद थे। बरकाता हूँ। आज शहर निजामबाद माइनॉरिटी की तरफ से सिक्स टाउन पुलिस स्टेशन में आए हम। इसी जिमन में आए कि जो दो दिन पहले एक बेवकूफ जो बदकिस्मती से सीएम बन गया, वो सीएम नहीं बनना था, हमारे श्री राहुल जी के बारे में कुछ गलत अल्फाज बोले, और मैं यूथ कांग्रेस की तरफ से और माइनॉरिटी निजामबाद टाउन सदर के सदारत में मैं आपकी मीडिया के थ्रू एक डिमांड रख रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बात बोलना चाह रहा हूँ, जो भी हेमंत के ऊपर थूकेगा और काली शाही फेंकेगा, यूथ कांग्रेस की तरफ से उसको 50,000 रुपये इनाम दिया जाएगा, जो उसको चप्पल से मारेगा उसको 1,00,000 रुपये इनाम दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत विश्वास शर्मा, जो हमारे कांग्रेस पार्टी के सदर राहुल गांधी साहब के बारे में गलत अल्फाज का इस्तेमाल किया, उसका डीएनए टेस्ट कराना, वो उसका डीएनए टेस्ट सही नहीं है। पहले तो वो हिंदुस्तान का शहरी नहीं है, और इस तरह की बात करना है कि इंसान के लिए भी शोभा नहीं देता। आज बीजेपी हर जगह जो है सो कम्युनल करके जो सो अपना ये इख्तदार पे आने की कोशिश कर रही, मगर ये गलत है। ये कांग्रेस पार्टी 150 साल तारीख रखती है, जो किसी वक्त जो सो इनकलाब लाती थी हिंदुस्तान को, जो सो आज़ाद दिलाने में सबसे बड़ा हाथ कांग्रेस पार्टी का ही है। जो आज़ादी के लिए नए लड़े सो आज बीजेपी वाले अपने इकदार के वास्ते झूठ सच कुछ भी बोल के अपने हमारे लीडरों के ऊपर गलत सलत बात बोल के जिस अंदाज से कर रहे हैं, ये गलत है। वो हिम्मत विश्वास शर्मा जो है कुत्ते का बच्चा है। जेडपी चेयरमैन विठल राव की क्यादत में माकलूर मंडल के प्रजा परिषद दफ्तर में 141 मुस्तहकिन में कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम के रकम चेक की तकसीम। माकलूर मंडल के प्रजा परिषद दफ्तर में जेडपी चेयरमैन विठल राव ने एमपीपी मास्टर प्रभाकर के जेर निगरानी में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा 141 कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम से वाबस्ता चेकों की इस्तेफादा कुनेनगान में फ्राहमी अमल में लाते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तदार पर आने के बाद चीफ मिनिस्टर केसीआर की जानिब से शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम को रूब अमल में लाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ वालिदैन को अपनी लड़कियों की शादी करवाने में मुश्किलात दरपेश न आए, और ये स्कीम अपने उरूज पर पहुँचती जा रही है, जिसकी वजह से मुल्क भर में तेलंगाना रियासत की स्कीमत काबिले तलखीद करार दी जा रही है, और तेलंगाना रियासत वो वाहिद रियासत है जो रियासत के हर तबके के लिए मुकम्मल स्कीमत मुतारफ करवाने में कामयाबी हासिल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान मुस्तहकीन ने शिरकत की। కుల మతాలకు అతీతంగా అందరం ఒక్కటే కాబట్టి 141 మందికి కళ్యాణలక్ష్మి చెప్పులు ఈరోజు పంపిణీ చేయడం జరుగుతుంది. ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక సిస్టమ్ పెట్టారు, ఆ సిస్టమ్ ప్రకారమే నడుస్తూ ఉన్నారు. దీనికి కాన్స్టెన్స్ ఎమ్మెల్యే గారి ద్వారా ఈ ప్రపోజల్ వెళ్ళాలి, ఎమ్మెల్యే సంతకం కాదు, దాంతో ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయ్యి మనకు ఈ చెక్కులు వస్తూ ఉన్నాయి. కాబట్టి మరి ఈరోజు బడ్జెట్ లో కూడా 2,700 చిల్లర కోట్లు దీనికోసం పెట్టడం జరిగింది. निजामाबाद ऑटो टेक्निकल एसोसिएशन के वफद की जिले कलेक्टर से नुमाइंदगी, वो ऑटो टेक्नीशियन के लिए अराजी की फ्राहमी, वो ऑटो नगर में बुनियादी सहूलियात को फ्राहम करने का किया मुतालिबा। आज निजामाबाद ऑटो टेक्निकल एसोसिएशन की सदर आर गंगाधर कुमार व नायब सदर अहमद नूर खान की क्यादत में एक वफद ने जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी से मुलाकात करते हुए इनके मसाइल से वाकिफ करवाते हुए कहा की तकरीबन 40 साल कबल कांग्रेस हुकूमत की जानिब से इस वक्त शहर निजामाबाद में इंडस्ट्रियल की तरह वो मैकेनिक की मदद के लिए शहरी इलाके बोधन रोड पर अटू नगर का क्याम अमल में लाते हुए यहाँ पर 250 प्लॉट बनाए गए थे, और आज ये इलाका पूरा रेसिडेंशियल इलाका बन चुका है, और अब इस इलाके में तकरीबन 400 दुकानें हैं, और मजीद प्लॉट की फ्राहमी के लिए तंजीम की जानिब से 2017 से नुमाइंदगी करने के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, और मौजूदा दौर में कई दुकान मालिकीन किराए की मलियों का किराया देने से खासिर है। इसी तरह इस इलाके में महकमे बल्दी की जानिब से कोई बुनियादी सहूलत
की फ्राहमी न किए जाने पर इन्होंने अफसोस का इजहार किया और तंजीम से वाबस्ता अफराद के लिए प्लॉट फ्राहम करने की इन्होंने अपील की। इस मौके पर इनके हमराह चुनप अली किशोर, मोहम्मद खलील, मोहम्मद फेरोज खान, अब्दुल रहीम पठान, जी यादागिरी, लतीफ अहमद, सुखदेव सिंह व दीगर मौजूद थे। हम आटो नगर टेक्नीशियन एसोसिएशन से यहाँ पर जमा हुए। कलेक्टर ऑफिस में हम लोगों ने एक एप्लीकेशन मेमोरेंडम कलेक्टर ऑफिस में दिया है। यहाँ पर आटो नगर फेज़ टू के लिए हम लोग एहतजाज कर रहे हैं। पिछले 2017 से हम लोग ये एहतजाज हमारा जारी है, कोई इस पर रोशनी नहीं डाल रहे। कोई हम लोग बहुत से ऑफिसों के डिपार्टमेंट्स के MP MLAs को भी इस ताल्लुक से हम लोगों ने इन्फॉर्म किया कि भाई यहाँ पर जो मौजूदा आटो नगर है वो अभी खस्ता हालात में हो चुका है, जिसमें कम से कम 450 टेक्नीशियन जो है रेंटल है, जिसकी वजह से आटो नगर बहुत कंजेस्टेड हो गया। अंदर जो है हेवी व्हीकल्स से एंटर नहीं हो रही, बहुत तंग हो गया आटो नगर, जिसकी वजह से जो हमारे टेक्नीशियंस है वो उनको काम नहीं होने की वजह से वो बेरोज़गार हो रहे, दूसरे कोई कारोबार में लोग जो है मुंतकिल हो जा रहे। और आटो नगर के अंदर इतना कंजस्ट हो गया कि कोई साफ़ सफाई का निज़ाम नहीं है। जो टैक्स पेड ओनर्स है वो तो टैक्स अदा कर रहे हैं, लेकिन जो किरायेदार है उनको हमसे ज़्यादा जो है सो तकलीफ़ हो रही। तो उस ताल्लुक से हम कलेक्टर साहब से मुलाकात करें और हम जो है एक रोशनी डालने के लिए उनको बोले कि सेकंड फेज़ के लिए कहीं पर भी आटो नगर निज़ामबाद डिस्ट्रिक्ट से अपना सिटी से एक 5-10 किलोमीटर बाहर अगर जहाँ कहीं भी अगर कोई लैंड है तो हमारे फेज़ टू के लिए जल्द से जल्द उस पर रोशनी डालकर हम जो टेक्नीशियन रेंट से रह रहे उनको जो है सहायता मिले, काम करने की जो है लोगों को आसानी हो सके। उस ताल्लुक से हम कलेक्टर साहब से मिले और ये 2017 से हमारी कोशिश जारी है। हमारे प्रेसिडेंट साहब भी जो है मौजूदा प्रेसिडेंट जो है वो भी काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि हर तरीके से हम लोगों ने कोशिश करी, कोई कहीं से भी हमको कोई जवाब नहीं मिल रहा। कलेक्टर साहब अभी हमारे जो है रिन्यू डिपार्टमेंट को लिखे, बोले अभी देखते हैं अभी क्या होता है, अभी सर्वे करा के जो है उनको कोई रिपोर्ट आने के बाद अभी मालूम होगा क्या होगा। हमारे एसोसिएशन का नाम द निज़ामाबाद टेक्नीशियन ऑटो एसोसिएशन है। अवाम और सीएम KCR की तहरीक के 22 रियासत तेलंगाना का क़याम अमल में आने का रुकन कानून साज काउंसिल के रुकन के कविता का खिताब। मुतहदा ज़िले निज़ामाबाद MLC के कविता ने कांग्रेस तेलंगाना इंचार्ज मानिकम ठाकुर की जानिब से किए गए नाजेबा रिमार्क की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा कि TRS सरबराह कलवाकुंडला चंद्रशेखर राव की ज़ेर क़यादत तवील और सबर आजमा जद्दोजहद के बाद ही रियासत तेलंगाना की तश्कील अमल में आई है। अलहदा तेलंगाना की तश्कील के बाद TRS पार्टी बरसर इक़्तदार आई और तेलंगाना के पहले वज़ीर आला की हैसियत से के चंद्रशेखर राव इक़्तदार पर फायज होने के बाद रियासत तेलंगाना तरक्की की जानिब गामज़न होने का इजहार किया। सर्वे नंबर 253 के राजी मुस्लिम कब्रस्तान के लिए मुख्तस और फंड्स की जुआई लेकिन अमल नहीं। हाफिज मोहम्मद ले खान की प्रजावानी में जिले कलेक्टर से नुमाइंदगी। हाफिज मोहम्मद ले खान सदर जिले जमीतुलमा निज़ामाबाद ने प्रजावानी में जिले कलेक्टर सी नारायण रेड्डी को तहरीरी नुमाइंदगी हवाले करते हुए धर्मपुरी हिल्स में सर्वे नंबर 253 की 3 एकड़ से ज्यादा राजी मुस्लिम कब्रस्तान के लिए मुख्तस करने और कब्रस्तान के सारबंदी व तरक्याती कामों के लिए 3 करोड़ रुपये मुख्तस करने के सिलसिले में हुकूमत से जारी करदा अहकाम से वाकिफ करवाते हुए कहा कि सर्वे नंबर के राजी पर रेजिडेंशियल स्कूल तामीर कर दिया गया है। शहर में कब्रस्तान के लिए अराजी की अशद जरूरत महसूस की जा रही है। फौरी अराजी मुख्तस की जाए जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने तयखुन दिया कि मुस्लिम कब्रस्तान के लिए अराजी की निशानदेही करते हुए मुख्तस किया जाएगा और मंजूरा फंड को इस्तेमाल में लाया जाएगा। हाफिज मोहम्मद ले खान ने बताया कि महकमे सेहत के जरिए मुस्लिम कब्रस्तान के लिए 3 करोड़ रुपये फंड मुख्तस किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिला कलेक्टर साहब से 14 फरवरी 2022 को नुमाइंदगी की गई है कि धर्मपुरी हिल्स में 4 एकड़ जगह कब्रस्तान के लिए दी गई थी और उसके लिए मीर परवेज़ अली साहब जब उस वक्त कॉर्पोरेटर थे, आप यहाँ के अर्बन MLA साहब और नवीन मित्तल साहब जो प्रिंसिपल थे उनसे बार बार नुमाइंदगी करके आप 4 करोड़ रुपये उस जगह के लिए मुतालबा किए थे 4 एकड़ ज़मीन पर कब्रस्तान की इहाता करने के लिए। लेकिन बाद में ये हुआ कि हम पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट गए, वहाँ पर मालूम ये हुआ कि जगह 3 एकड़ 20 घंटे यानी 3.5 एकड़ मंजूर हुई और बजट जो मंजूर हुआ वो 3 करोड़ रुपये हुआ। अब चूंकि बजट मंजूर शुदा है, जगह भी दी हुई है, तो उसी जगह पर हम ये कहना चाहते हैं कि वहाँ पर कब्रस्तान का इहाता किया जाए और उस बजट शुदा मंजूर शुदा जो बजट है उस बजट से वहाँ पर तामीर की जाए। अब क्योंकि धर्मपुरी हिल्स सर्वे नंबर 253 में 4 साल पहले
टिमरिस का तेलंगाना रेसिडेंशियल स्कूल का काम शुरू हुआ और इमारतें बन गई है, लेकिन और जदीद इमारतें भी वहाँ पर बन रही है। अब वहाँ से ये कब्रिस्तान की जगह पर ही बन रही है। उस वक्त कॉरपोरेटर साहब थे मीर परवेज़ अली साहब से, कलेक्टर साहब और एडिशनल कलेक्टर साहब ने वादा किया था कि इनकी ये जगह दूसरी जगह फौरन हटाकर फराहम की जाएगी, लेकिन अब चूँकि अब वहाँ पर जगह नहीं है, जगह के ज़ाय होने का डर है, तो हम ये कहना चाहते हैं और ये मुतालबा किए हैं कि जो मंजूर हुई थी 4 एकड़ जगह और 4 करोड़ रुपये, उसको उसी पर बहाल करें। और अगर वहाँ पर तेलंगाना रेसिडेंशियल स्कूल जो बन रहा है बहुत अच्छी बात है, इससे हमारे बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन जो जगह उसके लिए दी गई थी अगर वहाँ पर नहीं तो मुतबादिल दूसरी जगह पर 4 एकड़ पूरी जगह और जो बजट मंजूर है उससे उसका फौरन काम शुरू करने का हमने मुतालबा किया है। प्रजावाणी के तहत हासिल करदा दरख्वास्तों को फिलफोर एक्सवी अमल में लाने के लिए जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने जिम्मेदार अहदेदारों को दी हिदायत। अवाम में बेहद मकबूल प्रोग्राम प्रजावाणी का फिर से आगाज अमल में आ चुका है। आज 76 शिकायतें मौसूल हुई। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने मुतालिका महकमों के जिले अफसरों को हिदायत दी है कि वह अवाम से मौसूल होने वाली शिकायत को खुसूसी तरजीह देते हुए जल्द अज जल्द मसाइल को हल करने के इकदाम करें। कलेक्टर नारायण रेड्डी के साथ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर चंद्रशेखर और एडिशनल कलेक्टर लोकल बॉडीज चित्रा मिश्रा ने आज मुकामी प्रगति भवन में अवामी शिकायत वसूल किए। 76 शिकायत मुतालिका महकमों के अफसरान को इनकी के लिए भेजी गई। जिला कलेक्टर ने अहदेदारों को हिदायत दी कि शिकायत कुनिंगान की अवामी दरख्वास्तों पर की गई कार्रवाई के बारे में इन्हें आगाह कर। टीचर्स को भी स्कूल के गेट पर ही बुरखा उतार कर दाखिल होने की हिदायत। गुलबर्गे में उर्दू मीडियम के तुलबात को बुरखे उतार देने का हुक्म। कर्नाटक के तालीमी इदारों में बुरखा और स्कार्फ पहनने पर पाबंदी के बाद ये मामला कर्नाटक कोर्ट में जेरे रवा है। चीफ जस्टिस कर्नाटक हाई कोर्ट की क्यादत में सहरुकनी बेंच इस मामले की समाअत कर रही है। आज 14 फरवरी को 2:30 बजे दिन से इस मामले की दोबारा समाअत होने वाली है। इस दरख्वास्त में अदालत इस्तेदा की गई है कि मुस्लिम तुलबात को इनके मजहबी और दस्तूरी हकूक के तहत हिजाब पहनकर तालीमी इदारों में दाखिले की इजाजत दी जाए। फरवरी को इस मामले की समाअत के दौरान मौजूद चीफ जस्टिस कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा था कि इस मामले के फैसले तक कोई भी अपना मजहबी लिबास पहनकर स्कूल कॉलेज आने पर इसरार नहीं करेगा। आज से कर्नाटक के तालीमी इदारे दोबारा खोल दिए गए हैं। इस दौरान स्कूल हिजाब पहनकर स्कूलों और कॉलेजों को पहुंचने वाली मुस्लिम तुलबात को तमाम तालीमी इदारों के इंतजामिया ने गेट पर ही रोकते हुए इन्हें हिजाब बुरखा उतार कर स्कूलों में दाखिल होने की हिदायत दी। और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोज में दिखाया जा रहा है कि मुस्लिम तुलबात इन अहकामात पर अमल भी कर रही है और चंद तुलबात इससे इनकार करते हुए अपने मकानात को वापस हो रही है। रेंजर मंडल के मुकाम पर कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता कायदीन चीफ मिनिस्टर आसाम का अलामती पुतला किया नजर आतिश। रेंजर मंडल के मुकाम पर जिले कांग्रेस के साबिका जनरल सेक्रेटरी एमएल राजू व शमशुद्दीन ने रियासती तेलंगाना के कांग्रेसी पार्टी सदर रेवंत रेड्डी के अहकाम के मुताबिक आज चीफ मिनिस्टर आसाम हेमंत विश्वा शर्मा का राहुल गांधी के खिलाफ नाजिबा रिमार्क की मुखालिफत करते हुए रेंजर मंडल के चौरास्ते पर चीफ मिनिस्टर आसाम का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया। इस मौके पर दीगर कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता कायदीन ने राहुल गांधी के खिलाफ अपने नाशायस्ता तबसरे को वापस लेने और माफी मांगने का मुतालबा। इसी तरह बीजेपी से गैर महजिब चीफ मिनिस्टर को तब्दील करने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में साबिका एमपीटीसी रवि, सोशल मीडिया के साबिका इंचार्ज श्रीकांत, जिले के माजुरीन से मुंसलिक चेयरमैन शेख सदाम, एस साइलू, शेख सलमान, इमरान खान, एन गंगाधर व दीगर ने शिरकत की। मरी राहुल गांधी मीद वाकल वाकल मरी नरेंद्र मोदी गारु मरी हिंदुत्व మరి హిందుత్వం అన్నప్పుడు మరి ఈ రకంగా ఒక ముఖ్యమంత్రి మరి ఒక పార్టీ అధ్యక్షులు మరి ఒక ఎంపీ మరి ఆయన్ని ఈ వాక్యాలు చేయటం అనేది వాక్యాలు ఏదైతే ఏక్ నజర్ వక్ఫే కి ఓర్ హజ్రత్ సోఫీ కమాల్ ఖాన్ हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदीन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियां बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेखरन वगैरह के मसाइल का हल सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस आजम रोड निजामाबाद, सेल नंबर
8978111836। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। सीएम केसीआर की कामयाब तरीन क्यादत और रियासती वजीर विमला परेशान रेड्डी की काविशों के सबब बालकुंडा हल्के मोरतार मंडल के धर्मुरा में सीसी रोड तामीरी कामों से मुतालिक अराजी पर अवामी नुमाइंदों ने भूमि पूजा अंजाम दी। जिले निजामाबाद बालकुंडा हल्के असम्बली में वाकई मोरतार मंडल के धर्मुरा देहात में मुकामी सरपंच व मंडल राजेश्वर के जेर निगरानी में मेहमान खसूसी के तौर पर शिरकत करने वाले एमपीपी शिवालिंगम श्रीनिवास ZPTC बदम रवि ने रियासती वजीर इमारत और शोरा विमला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब मंजूर करदा फंड से मौजूद सीसी रोड तामीरी कामों से मुतालिक अराजी पर भूमि पूजा अंजाम देते हुए सीसी रोड तामीरी कामों का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर दीगर अवामी नुमाइंदों कायदी ने कहा की तेलंगाना हुकूमत के दौरे इख्तदार में सीएम केसीआर की काम आप तरीन क्यादत और रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी की काविशों के जरिए मंजूर किए गए 15 लाख रुपए फंड सीसी रोड तामीरी काम आगाज अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मौजे के TRS पार्टी सदर नवीन राजेंद्र चंदू गौट नरेश सतीश विलेज डेवलपमेंट कमेटी के मेम्बरान व दीगर ने शिरकत की। निर्मल जिले सदर रामा राव पटेल ने अपनी टीम के हमराह भैंसा शहर के मौजे तरोडा की अवाम से की मुलाकात। कांग्रेस सीनियर लीडर फिरोज खान की इतला के बमौजिब कांग्रेस जिले सदर रामा राव पटेल ने आज इमरान खान कांग्रेस कारकुन तरोडा की वालदा के इंतकाल की इतला पाकर इनके मकान पहुंचकर पुरसादिया बातजात तरोडा की गरीब अवाम से मुलाकात करते हुए कई एक अफराद की मिजाज पुरसी की और मौजूदा माशी बहरान पर तबादला ख्याल किया। कांग्रेस जिले सदर रामा राव पटेल ने गाँव के अफराद को जरीन मशवरे के जरिए इनकी हिम्मत अफजाई की। इन्होंने कहा की कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीब अवाम का साथ देने के लिए तैयार रहती है ताकि अवाम को इनका हक हासिल हो सके। इस मौके पर सीनियर कांग्रेस लीडर फिरोज खान टी रमेश के अलावा पार्टी वर्कर्स भी मौजूद थे। हमाल कॉलोनी के मकीनों को हरासानी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी मीर मजास अली। TRS पार्टी मुस्तक अवाम के साथ है नाइंसाफी को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लैंड ग्रैबर्स अपनी सरगर्मियों से बाज आ जाए मीर मजाज अली साबिक डिप्टी मेयर व खायर TRS ने आज प्रजावाणी प्रोग्राम में जिले कलेक्टर को याददाश्त हवाले करने के बाद अखबारी नुमाइंदों को बताया कि हमाल कॉलोनी को कांग्रेस दौरे हुकूमत में कायम किया गया था। मुस्तकिन को प्लाट मंजूर किए गए। इस कॉलोनी के अतराफ इकनाफ की खुली सरकारी व खानगी अराजियात पर लैंड ग्रैबर्स की जानिब से कब्जा किए जाने के वाकयात पेश आने के बाद अहदेदारों की जानिब से हमाल कॉलोनी के मकीनों को हरासा किया जा रहा है जो सरासर गलत है। इन्होंने बताया कि कुछ माह कबल अहदेदारों की जानिब से सर्वे किया गया। मीर मजाज अली मोहम्मद समी हरकियाती खायर TRS अब्दुल मतीन जुबली नायब सदर जिले TRS ने हमारे नुमाइंदों को बताया कि अहदेदार लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें लेकिन हमाल कॉलोनी के मकीनों को परेशान करना बंद करें। इस मौके पर इनके हमराह कसी तादाद में हमाल कॉलोनी के मकीन व TRS कारकुनान मौजूद थे। हम कलेक्टर ऑफिस को प्रजावाणी में आने का मकसद ये है कि कई दिनों से हमाल एसोसिएशन और चाटा एसोसिएशन वालों को लेआउट करके प्लाटा दिया गया। वो प्लाटों में बाजू के सर्वे नंबर ये हमारे को जो लेआउट है ये 249 सर्वे नंबर 253 अरसापल्ली शिवार में है और उसके बाजू में दूसरे सर्वे नंबर में है में दूसरे लोग इंक्रोच कर रहे लैंड ग्रैबिंग कर रहे मगर उसको छोड़ के आज तमाम ऑफिसर्स आके ये इसको जो है डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये हमारे अम्मल एसोसिएशन चाटा एसोसिएशन को सता रहे जबकि हम ये बोलना चाह रहे हैं कि 2005 के अंदर ये लेआउट हुआ लेआउट होके इसके अंदर हाउसिंग कॉरपोरेशन से 169 हाउसेस 146 को लोन दिया गया और वो इंद्रम्मा हाउसिंग में आज उसके जो कई पट्टे हैं जो उस वक्त इंद्रम्मा हाउसिंग में रखे थे लोन मंजूर सेंक्शन के लिए वो ऑफिस बंद होने से कई पट्टे हमारे वहाँ पे अटक गए। तो हमारे हमाल भैया जो जिसको कुछ आइडिया नहीं है उन्होंने 2008 में 2007 में फिर तहसील ऑफिस में दरख्वास्त दे के नए पट्टे बनाए अब वो पट्टों को डुप्लीकेट बोल रहे हैं। आप मैं कलेक्टर साहब से ये बोलना चाह रहा हूँ कि कंप्लीट आप इंक्वायरी करिए और हमारे लोगों के साथ इंसाफ करिए। हमारा कोई इलीगल नहीं है पूरे हमाल लोग यहाँ पर मौजूद है। अगर उनके प्लाट के ऊपर इंक्रोच हुआ तो क्या वो हमारा खामोश बैठने वाले हैं उनके प्लाटों पे इंक्रोच नहीं हुआ। हाँ अलबत्ता जो निज़ामबाद के नहीं थे अदर डिस्ट्रिक्ट से अदर सिद्धिपेट से आके वरंगल से आके जो यहाँ हमाली कर रहे थे वो लोग जाते वक्त में अपने प्लाटा बेच के चले गए। वो एक जो ये है वो भी प्लाटा बेच के जाने की वजह ये है कि ये ज़मीन को डेवलप करने के लिए हमाल एसोसिएशन संगम से 30 लाख रुपये खर्चा आया था। वो 30 लाख रुपये खर्च करके उनके भी बेसमीटा बनाने के बाद बेचे उन्होंने और बेसमीटों की पैसे हम जो है ज़मीन तो गवर्नमेंट की है उसके पैसे हम नए थे
और ये बेसमेंट के पैसे दे रहे बोल के हम पैसे दिए। मैं हम कलेक्टर साहब से गुजारिश कर रहे, अभी कलेक्टर साहब तहखुन दिए कि नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे तक जैसे इसको फाइनल करते, बल्कि मैं आप लोगों के चैनलों के तरह रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कलेक्टर साहब को कि हमारे साथ इंसाफ करो, ये हमाल एसोसिएशन चाटा एसोसिएशन के साथ इंसाफ करो। आपका नाम? ओपन एसएससी और इंटरमीडिएट की तकमील का आखिरी मौका, दाखिले की आखिरी तारीख 19 फरवरी, इस्तीफादे की ख्वाहिश। मोहम्मद यकीनुद्दीन प्रिंसिपल गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज बॉयज खिला निजामाबाद के जारी करदा सहाफी एलामी के बमौजिब ओपन एसएससी और ओपन इंटरमीडिएट में दाखिले जारी है। दाखिलों की आखिरी तारीख 19 फरवरी 2022 मुकर्रर है। तमाम मीडियम और तमाम कोर्सेज एमपीसी, सीईसी, बाईपीसी, एचईसी में दाखिला सहूलत दस्तियाब है। जिले निजामाबाद के उर्दू मीडियम ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के लिए मस्कुरा गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज बॉयज खिले में वाहिद सेंटर कायम किया गया है। इन्होंने मर्द व खवातीन बिलखसूस ऐसे लड़कियाँ और खवातीन जो तर्क तालीम कर चुकी हैं या फिर दीनी मदारे से फारग तुलबा व तालिबात भी इस सुनहरे मौके से इस्तेफादा कर सकते हैं। वाद रहे के इंटरमीडिएट कोर्स जो 2 साल की मदद का है, लेकिन ऊपर इंटरमीडिएट के तहत इस कोर्स को बैक वक्त 1 ही साल में मुकम्मल करने की सहूलत सरकारी तौर पर फ्राहम की जाती है। मोहम्मद यकीनुद्दीन प्रिंसिपल ने आमतुल मुस्लिमीन बिलखसूस उलमाए इकराम से अपील की के वो इस मौके से ज्यादा इस्तेफादे की तरगीब दिलाए। एसएससी के लिए दरकार दस्तावेजात बर्थ सर्टिफिकेट या स्कूल की टीसी, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो। इसी तरह इंटरमीडिएट के लिए दरकार दस्तावेजात एसएससी मेमो, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो लेकर आए। मजीद तफसीलात के लिए लेक्चरर मोहम्मद खालिद अहमद से फोन नंबर 9397004923 पर रब्त पैदा कर सकते हैं। डॉक्टर सूफी रजी शितारी खलीफा दरगाह सूफी नगर निर्मल की उर्स शरीफ हजरत सैयद सादुल्ला हुसैनी रहमतुल्लाह बड़ा पहाड़ के उर्स में शिरकत। सिलसिला खादरिया शतारिया से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर सूफी रजी शतारी खलीफा दरगाह सूफी नगर निर्मल सेक्रेटरी ऑल इंडिया हाशिम पीर पीस फाउंडेशन तेलंगाना व मशीर खिदमान सूफिया ने दरगाह हजरत सैयद सादुल्ला हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह बड़ा पहाड़ के जिम्मेदारान की तरफ से मधु किए जाने पर उर्स में शिरकत की। डॉक्टर रजी शतारी अपने मुरीदीन व मोतखदीन के साथ मौजे जलालपुर पहुँचे, जहाँ से जुलूस संदल में शरीक होकर जुलूस के साथ दरगाह की तरफ रवाना हुए। इहाता दरगाह से गेस्ट हाउस में जुलूस संदल पहुंचा, यहां महफिल मुबारकबादी समा का अहतमाम हुआ। जिम्मेदारान मोतदीन फुखरा वगैरह यहां जमा हुए और सिक्योरिटी हलके में संदल मजार मुबारक तक पहुंचाया और मजार मुबारक पर संदल चादर गुल और गलाफ पेश किया गया। आसाम चीफ मिनिस्टर की जानिब से राहुल गांधी पर किए गए नाजिबा रिमार्क के खिलाफ जिले कांग्रेस कमेटी सदर मानला मोहन रेड्डी के जेर निगरानी में मुख्तलिफ अवामी नुमाइंदों ने दीगर पुलिस स्टेशनों में चीफ मिनिस्टर आसाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए दरख्वास्त दाखिल की। आसाम चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा की जानिब से राहुल गांधी पर किए गए नाजिमा रिमार्क के खिलाफ जिले कांग्रेस कमेटी सदर मानला मोहन रेड्डी के जेर निगरानी में जिले निजामाबाद सिटी सदर केशव वेनु ने फोर्ट टाउन में आसाम चीफ मिनिस्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए दरख्वास्त पेश की और इस तरह से निजामाबाद अर्बन के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज ताहिर बिन हमदान ने पुलिस स्टेशन में, जिले की महिला कांग्रेस सदर भाग्या ने फोर्ट टाउन और थ्री टाउन में यूथ कांग्रेस से वाबस्ता जिले के सदर विकी यादव और इसके अलावा बी रामा कृष्णा कॉर्पोरेटर जीरोहित ने फिफ्थ टाउन में दरख्वास्त दाखिल की। एनएसवीआई निजामाबाद के जिले सदर वरदवा बट्टू वेनुराज उबेंदर केशव महेश विपुल गौड ने टू टाउन में दरख्वास्त दाखिल। बीजेपी मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वाल शर्मा वागिनटुवंटि तप्पुडु मातलकु राहुल गांधी गारी पुट्टुक गुरिंचि मात्लाडिनटुवंटि संदर्भंगा ई रोजु पीसीसी अध्यक्षुलु रेवंत रेड्डी गारी आदेशाल मेरकु ఈ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి అన్ని మండల కేంద్రాల్లో మండల పార్టీ అధ్యక్షుల ఆధ్వర్యంలో ప్రతి మండల పోలీస్ స్టేషన్లో క్రిమినల్ కేసు ఏర్పాటు పెట్టి డీజీపీ తెలంగాణ కే అహకామాత్ కే ముతాబిక్ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ కియా నాగరాజు నే మహకమే పోలీస్ ఎక్సైజ్ వ జిల్లా ప్రొబేషన్ ఎక్సైజ్ ఓహదేదార్ డాక్టర్ నవీన్ చంద్ర వ సైకియాట్రిక్ డాక్టర్ విశాల్ కే జేర నిగరానీ మే గాంజా మన్షియాత్ కా ఇస్తేమాల్ కర్నే వాలో కీ కౌన్సిలింగ్ కా ఇన్ఖాత్ అమల్ మే లాయా। रियासत तेलंगाना डीजीपी के अहकाम के मुताबिक कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजु ने महकमे पुलिस एक्साइज व जिले प्रोबेशन एक्साइज अहदेदार डॉक्टर नवीन चंद्रा और साइकेट्रिक डॉक्टर विशाल के जेर निगरानी में पुलिस दफ्तर के कॉन्फ्रेंस हॉल में गांजा मंशियात से इस्तीफादा करने वालों के लिए काउंसलिंग का इनेकाद अमल में लाते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर कलवाकुंतला चंद्रशेखर राव और रियासत के डीजीपी के अहकाम के मुताबिक जिले निजामाबाद को गांजा मंशियात से पाक रियासत बनाने के लिए एहतियाती इकदाम को रूबे अमल में लाने का इजहार करते हुए कहा कि
कल के बनने वाले शहरी आज के बच्चे इन मंशियात के आदि बन गए तो ना सिर्फ इनकी जिंदगी तबाह हो जाएगी बल्कि इनका खानदान और समाज को नाकाबिल तलाफी नुकसान का सामना करने की बात बताई। और इन्होंने मजीद कहा कि नौजवानों को गांजा मंशियात की लत से बचाने के लिए मुख्तलिफ मकाम पर पुलिस मुलाजमीन के जरिए शोर बेदारी अमल में लाई जा रही है और इसी तरह से साइकेट्रिक डॉक्टर विशाल के जेर निगरानी में गांजा मंशियात की लत में मुब्तला अफराद को काउंसलिंग देते हुए गांजा मंशियात के इस्तेमाल करने से सेहत पर होने वाले नुकसान के मुतालिक आगाही करवाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में निजामाबाद डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस वी अरविंद बाबू, निजामाबाद एसीपी वेंकटेश्वर, निजामाबाद रूरल सीआई जगदम नरेश, सिक्स टाउन अंजनलू, जकरानपली एसआई श्रीकांत, भीमगल एसआई सीआई वेनु, एसआई श्रीराम कुमार, एसआई गंगाधर व दीगर ने शिरकत की। ఇప్పుడు ప్రేమతోనే చెప్తున్నాం, సామా భేద దండోపాయాలు మూడు ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఒకటే సామంతో అంటే మంచి ఉపయోగం చెప్తున్నాం. అందరు ఇంత లోపుగా పెట్టుకుని ఎవరు మాట్లాడారు చెప్పారు మీకు. ముఖ్యంగా మీ భాగస్వామ్యం ఇంపార్టెంట్, తల్లిదండ్రులు అన్నదమ్ములు అక్క చెల్లెలు భార్యలు భర్తలు ఉంటే భార్యలు మీ భాగస్వామ్యం ఇంపార్టెంట్. మీరు లేకుంటే మాత్రం ఈసారి దొరికింటే మాత్రం ఇక సీరియస్గా ఉంటుంది, యాక్షన్ అంటూనే ఉంటుంది, జైలు పోతారు కూడా. మీరందరూ మారే ప్రయత్నం చేయండి. మీకు దొరికే ఛాన్స్ లేకుండా చేస్తున్నాం. ఎవడైతే అమ్ముతున్నాడో వానిపైన కఠినమైన చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. వాడు ఇక్కడ నిజామాబాద్ లేకుండా చేసే ప్రయత్నం కూడా చేస్తాం. అంత సీరియస్గా ప్రభుత్వం ఉన్నది. ప్రభుత్వంతో పాటు మా అధికారులు కూడా సీరియస్గా కఠోరంగా రాత్రి పౌరులు కనిపెట్టిస్తున్నారు మీకోసం. సో ఇలాంటి విషయాలు ఉన్నా కూడా తక్షణమే మీరు ఏమైనా ఉంటే మీ సమస్యలు ఎవడన్నా మళ్ళీ రాదా తాగుదాం జాయింట్ కొట్టాం टीएसआरटीसी चेयरमैन व रूरल एमएलए बाजरेडी गोवर्धन ने अफराद खानदान के हमरा तीन दिन कबल ही मेडाराम यात्रा के लिए हुए रवाना। टीएसआरटीसी चेयरमैन व रूरल एमएलए बाजरेडी गोवर्धन ने अफराद खानदान के हमरा मुरादे पूरी करने के लिए तीन दिन कबल ही मेडाराम यात्रा को रवाना हो गए। इस मौके पर इनके साथ इनके अहलिया फरजान धरपली जेडपीटीसी बाजरेडी जगन मौजूद थे। इख्तिताम से खबर नजर डालते आज के सुर्खियों पर। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी की मौजूदगी में साबिका टीआरएस जिले सदर ईगा गंगा रेड्डी ने की नौ नामजद टीआरएस जिले सदर को आर्मर मिले जेवर रेड्डी की तहनियत। वालदैन अपने बच्चों की हरकत पर तवज्जो दें व नौजवान मंशियात की लत से दूर रहे, अच्छे मुस्तकबिल के लिए वालदैन की सख्ती जरूरी, सीपी किया नजर आ। अवाम और रियासती वज़ीर-ए-आला केसीआर की जदोजहद के सबब ही तेलंगाना हासिल हुआ है। कांग्रेस तेलंगाना इंचार्ज मानिकम ठाकुर के बयान का मुतहदा जिले कानून साज काउंसिल के कविता ने दिया जवाब। शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी स्कीम के जरिए गोरबा की खुशियों को दोबारा करना है रियासती वज़ीर-ए-आला केसीआर का मकसद। निजामाबाद अर्बन रुकन असेंबली बेगाला गणेश गुप्ता, इन्होंने इस्तीफादा कुनंदगान में की टैक्स की तफसील। टीआरएस पार्टी मुस्तहिक अवाम के साथ ओहदेदार लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ कार्रवाई करे, ना के गोरबा पर साबिका डिप्टी मेयर व टीआरएस कायद मीर मजाज अली की जिले कलेक्टर से नुमाइंदगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही, इंशाल्लाह मज़ेदार खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज़।